तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आज आपका पेपर हुआ है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का, DE2 का जो पेपर हुआ है 6 सेम EC वालों को, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और ऐसा कंटेंट ला सकें। आप अपने टेलीग्राम, हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ID है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सेम हमारी ID है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। तो अब डिस्कस करना आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इज वन विच, ऑप्शन ए है प्रोड्यूसेस नॉन साइनोसाइडल आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस साइनोसाइडल आउटपुट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है ये पूछा है, तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर नॉन साइनोसोइडल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू, एन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कंप्रेटर, ऑप्शन बी फ्री रनिंग, ऑप्शन सी इमिटर कपल्ड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द। देखो जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है ना, इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं, फ्री रनिंग ऑसिलेटर। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी एक भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, तो फ्री रनिंग ऑसिलेटर। तो इसमें से इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्री रनिंग। थर्ड आपका ये है क्वेश्चन, श्मिट ट्रिगर इज बेसिकली एन ऑसिलेटर, ए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो श्मिट ट्रिगर जो होता है बेसिकली हम इसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वेव शेपिंग एलिमेंट्स आर, वेव शेपिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, रेजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो वेव शेपिंग एलिमेंट आपका रेजिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, डायोड भी होता है। ठीक है, डायोड नॉन लीनियर हो जाएगा, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लीनियर हो सकता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हेन द इनपुट इज ग्रेटर देन ए पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब हम इनपुट अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो हम कौन से डिवाइस का यूज करके हम पता लगा सकते हैं, मतलब बेसिकली कंपेयर कर रहा है इनपुट को। ऑप्शन ए है कंपरेटर, ऑप्शन बी है क्लैंपर, ऑप्शन सी है लिमिटर, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो क्लैंपर तो आपका डीसी वैल्यू ऐड करता है, लिमिटर वैल्यू को लिमिट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंपरेटर। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक टेप इज ए टाइप ऑफ डैश डिवाइस, ठीक है, स्टेप, इनडायरेक्ट, सिक्वेंशियल, या डायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक सिक्वेंशियल डिवाइस होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल इज, ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर एक बार पावर ऑफ हो जाए तो मेमोरी कंटेन रहे, मेमोरी खत्म ना हो जाए उससे, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, जो इंफॉर्मेशन है हमारी वो लॉस ना हो जाए। तो हार्ड डिस्क एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हार्ड डिस्क भी सही है, रोम भी सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज वॉलेटाइल, डेंसिटी इज मोर देन ऑफ स्टेटिक रैम, लोअर पावर कंजम्पशन देन डेट ऑफ एस रैम, या ऑल ऑफ द अबव। तो डायनेमिक रैम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो वॉलेटाइल तो ये होता ही होता है, इसमें पीरियोडिक चार्जिंग की जरूरत होती है,
डेंसिटी ज्यादा होती है एसरेएम से, लोअर पावर कंजम्पशन होता है एसरेएम से। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा सेलेक्टर्स आर सेम एस इनकोडर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन सी डी मल्टीप्लेक्सर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डेटा सेलेक्टर्स जो होते हैं आपके ना, वो जो है एक और नाम होता है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर्स का, ठीक है, मतलब मल्टीप्लेक्सर को ही डेटा सेलेक्टर कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आईसी 74155 इज डी मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर इनकोडर या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज जो इसका होगा वो, ये जो आईसी होती है ये डी मल्टीप्लेक्सर की आईसी होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द स्क्रीन ऑफ सीआरटी इज कोटेड विथ सिलिकन, जर्मेनियम, सिल्वर या फस्फर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कि जो सीआरटी की कैथोड रे ट्यूब की जो स्क्रीन होती है वो फॉस्फर से कोट की जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन ऑफ 16 डिकोडर, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 2। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए 4। फोर इनपुट्स की जरूरत होती है वन ऑफ 16 डिकोडर, मतलब 1:16 डिकोडर बनाने के लिए। ट्रैक एंड सेक्टर आर रिलेटेड टू, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम या ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो देखो ट्रैक एंड सेक्टर पूछा है, बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, फास्टेस्ट ए टू डी कन्वर्टर इज, ऑप्शन ए आर टू आर लैडर, ऑप्शन बी पैरेलल टाइप, ऑप्शन सी डुअल स्लोप टाइप या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो जो फास्टेड ए टू डी होता है, डुअल स्लोप सबसे स्लोएस्ट होता है, आर टू आर तो डी टू ए कन्वर्टर है, ए टू डी है भी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर होगा पैरल टाइप। इसका एक और नाम भी होता है फ्लैश टाइप। तो फ्लैश टाइप या पैरल टाइप आपका फास्टेस्ट ए टू डी कन्वर्टर होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, आर टू आर लेडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी टू ए कन्वर्टर, ए टू डी कन्वर्टर, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव। तो आर टू आर लैडर जो होती है वो क्या है, एक डी टू ए कन्वर्टर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फंक्शन ऑफ डुअल स्लोप टाइप इज टू कन्वर्ट, ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल इंटू डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन बी डिजिटल सिग्नल इंटू एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो डुअल स्लोप टाइप का जो फंक्शन होता है क्या होता है, पहले तो डुअल स्लोप आपका ए टू डी कन्वर्टर होता है। ए टू डी कन्वर्टर का कहने का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल। तो जो डुअल स्लोप टाइप होता है एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। 14 टू द बेस 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें चार ऑप्शंस में कौन सा आएगा ये पूछा है। तो आप देखो इसको तो एक तरीका मैं ऐसे बता देता हूं, डिवाइड करते जाओ 270, 231, 212 और 201, सॉरी यहां 1 होगा क्योंकि बाइनरी बेस है तो 2 तो आ भी नहीं सकता, 1। और यहां से लोअर से अपर लिख दो तो क्या होगा, 111 0। या इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप 14 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 8421 में कैसे 14 को लिखोगे, 8 + 4 = 12 + 2 = 14, और जो यूज नहीं हो रहा है उसको 0, तो 111 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो प्रोसेस आपको पसंद आए दोनों से आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, बिट, बाइट, केबी या टेराबाइट। तो देखो इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है कौन से, तो देखो बिट से बड़ी है बाइट, बाइट से बड़ी है किलोबाइट और किलोबाइट से बड़ी है टेराबाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपका, बिट। तो इसमें पूछा था स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, ऑप्शन ए बिट,
बिट से छोटी भी होती है, पर इसमें क्योंकि ऑप्शंस में नहीं था तो इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 19, एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमिटिंग ऑफ लाइट। तो ये मान लेते हैं ये स्टेटमेंट आपका एलईडी के लिए हिसाब से दिया गया है, तो जब रिकम्बिनेशन होता है आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तो ही आपका इमरजेंस ऑफ लाइट होता है। तो ऑप्शन ए है जनरेशन, ऑप्शन बी है रिकम्बिनेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रिकम्बिनेशन। तो जब रिकम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर का उससे लाइट उत्पन्न होती है एलईडी के केस में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, और आपका स्कोर कितना आया आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपका कितना सही हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। प्लस कोई आपको डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और क्योंकि ये शायद आपका आखिरी एग्जाम था तो कमेंट सेक्शन में ये भी हमें लिख के बताइएगा कि हमारे वीडियोस से आपको कुछ हेल्प हुई या कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई, तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।